अब बात करते हैं कुछ वीरे यूटिलिटी की। वीरे यूटिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका अनेबल सॉलिड विजेट्स। अनेबल सॉलिड विजेट्स क्या करते हैं? मान लो आपने एक लाइट लगाई, आपने एक स्फीयर लाइट लगाई, ठीक है, अंडू ये मैंने लाइट। अब यहां पे आप देख सकते हो जो आपकी ये वाली लाइट है, इसमें डायरेक्शन भी दी गई है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये रेक्टेंगल बना हुआ है और इसका भी ये शेप है। अगर मैं इसको कर दूं अनेबल सॉलिड विजेट्स, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो अनेबल द यूज ऑफ फेसेस फॉर द व्यू पॉइंट्स विजेट्स, जितने भी व्यू पॉइंट्स के विजेट्स हैं उनको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप क्लिक करते हो तो आप देखो वो उन लाइट्स को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली ये सॉलिड कर देगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, सिंपली ये क्या करेगा कि आपके जो व्यू है उसको लाइट कर देगा, हल्का सा सिंपली लाइट कर देगा, बाकी इफेक्ट कुछ नहीं, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अब जितने भी आपने वीरे की लाइट्स लगाई हैं, वीरे का फर लगाया है, अब आप चाहते हो सारे के सारे एक ही बारी में हाइड हो जाए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड वीरे विजेट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड वीरे लाइट्स फर इन्फिनाइट प्लेन मैस क्लिपर विजेट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट, द ऑप्शन डज नॉट इफेक्ट, आपका रेंडरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप इस पे क्लिक करो सारा कुछ आपका हाइड हो गया, रेंडरिंग आपकी एज इट इज आएगी, रेंडरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट वो विजेट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके हाइड हो जाएंगे यहां से, ठीक है, ये कर सकते हो। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे रिमूव मटेरियल। अब मान लो आपके पास एक यहाँ पे बॉक्स, ये आपने बॉक्स लिया, इसको ट्रिपल क्लिक करके आपने एक ग्रुप बना लिया और इसके ऊपर मान लो मैंने कोई भी एक मटीरियल लगाया। अगर मान लो मुझे इसका मटीरियल रिमूव करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है रिमूव मटेरियल, आप इस पे क्लिक करो, रिमूव मटेरियल पे क्लिक करो तो आपका मटेरियल रिमूव हो जाएगा। अगर आपको कहीं से भी मटेरियल को रिमूव करना है तो आप अपने मटेरियल को रिमूव कर सकते हो। सर मान लीजिए वीरे नहीं है तो मटेरियल, ये ऑप्शन भी नहीं आएंगे, वीरे नहीं है तो आप नॉर्मल जो आपका मटेरियल होता है व्हाइट कलर का होता है, तो आप यहाँ पे कलर पे जाके आप अपना व्हाइट कलर का मटेरियल अप्लाई कर सकते हो सिंपल, ठीक है, ये रिमूव कर देगा आपके वीरे का मटेरियल जो अभी आपने लगाए हुए। एक ऑप्शन है यहाँ पे ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन, और यहाँ पे है ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन फिट, और ये है आपका वर्ड, देखो ये क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉक्स है और मैंने इसको ये कर दिया और ट्रिपल क्लिक करके मैंने इसको ग्रुप बना दिया। अब मान लो मैं एक मटीरियल क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे मटीरियल पे गया, क्रिएट मटीरियल, टेक्सचर मैंने यहाँ पे यूज किया, डेस्कटॉप पे गया, मान लो मैंने इसके लिए ये एक पोस्टर ले लिया एक बेसिकली ओपन, और ये मैंने मटेरियल क्रिएट किया एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं मटेरियल स्लॉट में गया और मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे जो आपका ये मटेरियल था सारे फेसेस पे लगा दिया इसने, सारे फेसेस पे जो इसने मटेरियल लगाया वो किसके अकॉर्डिंग लगाया कि यहाँ पे जो इसका साइज है और आपके बॉक्स का साइज है उसने इसने डिस्ट्रीब्यूट करके लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि हर एक फेस पे मेरा एक एक ही मटेरियल लगे, ये एवरी फेस पे एक एक मटेरियल लगे, तो यहां पे एक ऑप्शन है ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन फिट, आप इस पे क्लिक करोगे तो सारे फेस पे एक एक मटेरियल आ जाएगा। इस चीज को आप बहुत यूज कर सकते हो। अगर आप यूज करोगे ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन वर्ल्ड तो वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा, वर्ल्ड होता है ये जो आपके साइज के अकॉर्डिंग कि आपका टेक्सचर साइज कितना है, बॉक्स का साइज कितना है, उस तरीके से चलेगा। अगर आप फिट कर दोगे तो हर एक उस पर एक एक आपका ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई बॉक्स ऐसे बनाया और फोटो फ्रेम बनाया, हेलो सर, लेकिन वो नीचे तो लिखा है ना कि नीचे वो लिखा है कि एफसी तो उल्टा आया ना, उल्टा लग रहा है आपको, कोई नहीं, आप इसमें रोटेट कर सकते हो, इसमें और भी ऑप्शन है। कैसे आप करिए रोटेट कीजिए, मान लो आप इसको सिलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करते हो, एक मिनट, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपका आपका आएगा फ्लिप अलोंग विद रेड, हो गया, और राइट क्लिक फ्लिप अलोंग विद ग्रीन, हो गया, तो आप फेस को फ्लिप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो मेरे को इस सिंगल फेस पे लगाना है ये वाला पोस्टर, तो मैं इस सिंगल फेस पे सिलेक्ट करके आपका ये मटेरियल अप्लाई कर दूंगा, ये तो लगा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, और अगर मैं कर दूंगा फिट तो ये फिट आ जाएगा। इसको रोटेट करना, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे फ्लिप कर सकते हो, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके करूं ये ना फ्लिप अलोंग विद रेड एक्सिस के एक्सिस, वो आपको फ्लिप हो जाएगा, रेड आएगा, रेड नहीं सर, ओके, रेड से भी आपको, हाँ, तो इस तरीके से आप इसे फ्लिप कर सकते हो। ये तो हो गया रेक्टेंगुलर और बॉक्स टाइप शेप पे।
अगर आपके पास फियर हो तो आप कैसे करोगे? अब पहली बात तो इसके अंदर स्फीयर बनाने का ऑप्शन ही नहीं है, सबसे पहले तो स्फीयर बनाना पड़ेगा। स्फीयर को हम कैसे बनाएंगे? स्फीयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ और ग्रीन एक्सिस पे जाके मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने सर्कल क्रिएट किया और इसके नीचे जाके मैंने एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये करने के बाद मैंने एक लाइन ली, यहां से इसको ज्वाइन किया, इरेजर लिया, इसको इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दूंगा मैं फॉलो मी विद द दिस, ये आपका सर्कल स्फीयर बन जाएगा, ये आपका स्फीयर बन गया। अब अगर मैं इस स्फीयर को ट्रिपल क्लिक करूं, राइट क्लिक करूं, तो मैं इसको मैं ग्रुप कर सकता हूं, ये आपका ग्रुप बन गया। आप इस पर ट्रिपल क्लिक करके फ्लिप रिवर्स फेस कर सकते हो, या फिर जरूरत नहीं है रिवर्स फेस दोबारा किया। अब इसके ऊपर मान लो मैं एक मटीरियल क्रिएट करता हूं, क्रिएट मटीरियल, और मान लो मेरे पास एक वर्ल्ड मैप है, ये मैंने लिया और इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं। जैसे अप्लाई करूंगा तो आप देखो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आएगा, टाइल्स में काफी सारी टाइल्स आ जाएंगी। अगर मेरे को एक ही चाहिए तो मैं अब यूज करूंगा इसका। अगर मैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग करूंगा तो ऐसे टाइल्स में आएगा, और अगर मैं प्रोजेक्शन फिट करूंगा तो वो फिट दिखा देगा, और इस तरीके से स्फीयर वाले ऑब्जेक्ट पे आप अपने इस ऑब्जेक्ट टेक्सचर को ऐसे देख सकते हो। तो ये चीज आपके यूज की हो सकती है, ठीक है। एक चीज होती है यहाँ पे सीन इंट्रैक्शन टूल, ये क्या होता है? ये ज्यादा इतने काम का नहीं है। ये एक्चुअल में क्या करता है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे बनाते हो, इसको आपने पुश किया, ट्रिपल क्लिक करके आपने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है, डबल क्लिक किया, राइट क्लिक मेक ग्रुप, और आपने एक और यहाँ पे बना दिया, इसको पुश किया, आप ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप है, एक ग्रुप इन दोनों का है, डबल क्लिक करोगे एक ग्रुप अब इसका है, ग्रुप के अंदर ग्रुप है। अब क्या है कि मान लो एक तो दो चीजें होती हैं, बट दूसरी चीज इतनी काम की नहीं है। डबल क्लिक किया, मान लो मैंने इसको तो मैंने मटेरियल दे दिया कोई भी ये वाला, और इसको मैंने मटेरियल दे दिया कोई भी मान लो ये वाला, दोनों का अलग अलग मटेरियल। अब अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा यहाँ पे सीन इंटरेक्शन पे, तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे कि ये मटेरियल कौन सा। बट इससे ज्यादा चीज जो होती है वो क्या होती है कि मान लो मेरे को इस फेस को एक्सट्रूड करना है, तो अभी के लिए क्या है कि आप डबल क्लिक करोगे, फिर इस पे डबल क्लिक करोगे, फिर जाके फेस को सिलेक्ट करके आप इसे पुश करोगे तो आप इसे आगे की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हो। बट इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, विदाउट आप ग्रुप के अंदर गए, आप इसको क्लिक करो, किसी भी फेस को सिलेक्ट करो और अब आप यहां से पुश कर सकते हो, वही फेस आपका पुश हो जाएगा। सिलेक्ट किया, इसकी हेल्प से ये सिलेक्ट किया, पुश किया और आप इसे पुश कर सकते हो विदाउट अपने ऑब्जेक्ट के अंदर गए, तो आप इसको यहां से पुश कर सकते हो। तो ये वीरे यूटिलिटी का आप यहां पे यूज कर सकते हो।